Dear students, in our last session, I have explained to you about the marketing management philosophies, and I also explained to you there are five concepts it is also known as philosophies. Okay, five philosophies of marketing management: production, product, selling, marketing, and society. Okay, now we'll go forward. Today, I'm going to explain to you all the functions of marketing management. क्या क्या functions perform करता है marketing management? कि कौन कौन से ऐसे फंक्शंस है जो मार्केटिंग मैनेजमेंट परफॉर्म करता है. टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू. आई एम सीखिंग इसको. फर्स्ट, मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या करता है? सबसे पहले गैदरिंग एंड एनालिसिस करता है. ओके, इंफॉर्मेशन को क्या करता है? वो गैदर करता है. याद रखिए, मार्केटिंग हम कैसे कर पाएंगे, बिजनेसमैन मार्केटिंग कैसे कर पाएगा विदाउट गैदरिंग द इंफॉर्मेशन? इट्स वेरी डिफिकल्ट. पहले वो क्या करता है? इंफॉर्मेशन गैदर करता है. यस, क्या नीड्स और क्या वांट्स है, गैदरिंग इंफॉर्मेशन. क्या क्या गैदर करता है? नीड्स एंड वांट्स ऑफ कस्टमर. कस्टमर का सेटिस्फेक्शन लेवल क्या है, उसे किस चीज़ की जरूरत है, वो गैदरिंग करता है इंफॉर्मेशन. ओके, किस एरिया में कितना रिक्वायरमेंट है, ओके, वो सारी इंफॉर्मेशन क्या करता है? गैदरिंग करता है. उसी को हम कहते हैं मार्केट रिसर्च. ओके, यानी कि मार्केट पर पूरा रिसर्च करना, कहाँ पर कौन सा प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा है, कौन सा प्रोडक्ट की सप्लाई ज़्यादा है, कहाँ पर डिमांड ज़्यादा आ रहा है, कहाँ पर डिमांड कम है, उसके हिसाब से क्या करता है बिजनेसमैन? मार्केटिंग करता है. फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल्स मैं इसलिए बार बार बोलता रहता हूँ आप लोगों को, बिकॉज वेन यू राइट एग्जाम्पल इट्स जस्ट हेल्प यू टू एक्सप्रेस योर व्यूज टू द एग्जामिनर मोर क्लियरली. ओके, जब आप एग्जाम्स में एग्जाम्पल्स लिखते हो, कोट करते हो एग्जाम्पल्स, तो वो जो एग्जामिनर आपको कॉपी चेक कर रहा है उसके सामने एक बहुत अच्छा प्रेजेंटेबल, ठीक है, बहुत अच्छा एक इम्पैक्ट जाता है कि यस बच्चा समझा है और एग्जाम्पल्स के थ्रू एक्सप्लेन कर रहा है. ओके, सो दैट्स व्हाई आई ऑलवेज यूज टू से द एग्जाम्पल्स. ओके, तो जब हम गैदरिंग इन्फॉर्मेशन बात करते हैं, मार्केट रिसर्च की बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए एक बिजनेसमैन क्या करता है, सबसे पहले मार्केट रिसर्च करता है. फॉर एग्जाम्पल किस एरिया, मान लीजिए कोई भी एरिया है, फॉर एग्जाम्पल एक छोटा एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए अपनी कंपनी का मुझे एक प्रोडक्ट सेल करना है. ओके, और मैं एक ऐसी जगह पे सेल कर रहा हूँ जहाँ पे बिल्कुल डिमांड नहीं आ रहा है. ओके, और लोग पहले इस्तेमाल कर रहे थे और एकदम उठ गए, मतलब अब वो बिल्कुल पसंद ही नहीं है लोगों को. ओके, वो एकदम क्यों पसंद नहीं है, क्योंकि कोई दूसरा प्रोडक्ट वहाँ पर आ गया और लोग उसी के ऊपर क्या कर रहे हैं, ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, वही सेल कर रहे हैं और वहाँ पर सेल बहुत कम है. तो हमें क्या एक मार्केटिंग मैनेजर क्या एनालाइज कर रही है, यस उस एरिया में ज़्यादा मैं प्रोडक्ट सेल नहीं कर पाऊँगा तो शायद मैं दूसरे एरिया को कैप्चर करना पड़ेगा, या फिर उसी एरिया में कुछ एडवांस या फिर कुछ ऑफर देकर या फिर कुछ अच्छी क्वालिटी बेस करके या फिर कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा तभी उस एरिया में बिक सकता है. तो इस तरीके से अगर मार्केट ऐसे इन्फॉर्मेशन की अगर गैदरिंग करके फिर क्या होगा, गुड्स को सेल कर सकते हैं. ओके, दैट इज द फर्स्ट फंक्शन, दैट इज इन्फॉर्मेशन गैदर करना, मार्केट रिसर्च करना. ओके, सेकंड, मार्केट प्लानिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एग्जाम में आने वाला टॉपिक है. मार्केट प्लानिंग कैसे करते हैं, उसके थ्रू स्टॉक एनालिसिस. और मैं हमेशा जब क्लास में बच्चे रहते हैं मैं हमेशा बच्चों से बोलता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ मार्केटिंग मैनेजमेंट में लागू नहीं होता, ये जो शॉर्ट एनालिसिस है वो आपकी लाइफ में भी लागू होता है. ओके, तो एस का मतलब होता है स्ट्रेंथ, डब्ल्यू होता है वीकनेस, ओ अपॉर्चुनिटी और टी होता है थ्रेट्स. ओके, फॉर एग्जाम्पल एक मार्केटिंग वाला बंदा, एक मार्केटिंग जो कर रहा है, एक बिजनेसमैन, जब वो मार्केटिंग के बारे में मार्केटिंग करेगा तो सबसे वो शॉर्ट एनालिसिस करता है. ओके, सबसे देखता है कि स्ट्रेंथ है, यानी कि स्ट्रेंथ एनालिसिस करता है कि स्ट्रेंथ क्या है, जो हम एक प्रोडक्ट सेल करने जा रहे हैं. ओके, तो हमारी प्रोडक्ट की स्ट्रेंथ क्या है, हम स्ट्रेंथ कितना है. ओके, या फिर हम जहाँ सेल करने जा रहे हैं उसके बारे में अपनी स्ट्रेंथ को फाइंड आउट करता है कि किस एरिया में ज़्यादा सेल हो जाएगा, तो वो अपनी स्ट्रेंथ को पहले फाइंड आउट करता है. फिर अपनी वीकनेसेस को, कि कोई हमारे प्रोडक्ट में कोई डिफेक्ट तो नहीं है, या फिर किस एरिया में हम सेल करने जा रहे हैं वहाँ कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है, तो वो वीकनेसेस को फाइंड आउट करता है. ओके, वैसे अपॉर्चुनिटी किस जगह पर हम सबसे पहले पहुंच जाए, हमने चैप्टर 3 में पढ़ा था. ओके, एडवांटेज, फर्स्ट मूवर एडवांटेज. ओके, जो कि बिजनेस एनवायरमेंट में हमने देखा था एडवांटेजेस में. ओके, तो वैसे ही यानी अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करना कि कहां पर हम अपने प्रोडक्ट को सबसे पहले लेकर जाए ताकि वहां पर हमारा प्रोडक्ट सबसे पहले बिक जाए. ओके, तो अपॉर्चुनिटी वैसे ही आपके लाइफ में भी होता है, आपको भी अगर अपनी स्ट्रेंथ को फाइंड आउट करना कि मेरा स्ट्रेंथ क्या है, मेरी वीकनेसेस क्या क्या है, उसको दूर करके अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाना है. अपॉर्चुनिटीज मेरी लाइफ में, मुझे 12th के बाद क्या क्या अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है. ओके, मैं कौन कौन से फील्ड में जा सकता हूँ, वो अपॉर्चुनिटीज फाइंड करना. और लास्ट में थ्रेट्स होता है, यानी कि कहाँ पर कमियाँ रह जा रही, कहाँ पर प्रॉब्लम्स आ रही है, वो
सारे थ्रेड्स को फाइंड आउट करना है, उसको हटाना है, ओके। तो ये शॉर्ट एनालिसिस कौन करता है? बिजनेसमैन करता है मार्केटिंग करने से पहले। तो वैसे ही आपको भी अपने लाइफ को सिक्योर, अपने लाइफ को आगे बढ़ाने से पहले क्या करना चाहिए, अपनी लाइफ को अपने बारे में अपना शॉर्ट एनालिसिस करना चाहिए, ओके। तो इस तरीके से आपको जल्दी याद हो जाएगा मार्केट प्लानिंग। इस तरह प्रोडक्ट डिजाइनिंग, प्रोडक्ट डिजाइन करता है। प्रोडक्ट डिजाइन मतलब क्या होता है? डिफरेंट वैरायटी, डिफरेंट साइज, डिफरेंट कलर्स, डिफरेंट क्वालिटीज या क्वालिटीज को लेकर वो क्या करता है, प्रोडक्ट को डिजाइन करता है, ठीक है। थर्ड आता है स्टैंडर्डाइजेशन। स्टैंडर्डाइजेशन मतलब क्या होता है? मेंटेनिंग द क्वालिटी। स्टैंडर्डाइजेशन मतलब क्या होता है? क्वालिटी को मेंटेन करना। याद रखिए, आपने देखा होगा आप चिप्स खा रहे होंगे या फिर आप बिस्किट खा रहे होंगे या फिर आप जो भी प्रोडक्ट जो आप रेगुलर यूज कर रहे हैं, आप खुद सोच के देखिए क्या उसके टेस्ट में कितने साल से, आप 10 साल 20 साल से खा रहे हैं, कुछ फर्क आया है? जब तक उसने कुछ मतलब चॉकलेट फ्लेवर या फिर कुछ अलग फ्लेवर का ना लेकर आ गया हो, तो जैसे क्या होता है वो एक वो क्या होता है, क्वालिटी हमेशा मेंटेन रहता है। अगर क्वालिटी में गिरावट हो गया तो तुरंत कस्टमर क्या करेगा, हट जाएगा। इसलिए क्या होता है स्टैंडर्डाइजेशन। इसलिए बिजनेसमैन मार्केटिंग करता है तो उसमें क्या क्या मार्केटिंग का फंक्शन है, यानी स्टैंडर्डाइजेशन, यानी कि जो स्टैंडर्ड है जो क्वालिटी वो हमेशा मेंटेन रहना चाहिए। दूसरा है आपका ग्रेडिंग। ग्रेडिंग क्या होता है? क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑन सम बेसिस, क्लासीफाई करते हैं, ओके। यानी कि प्रोडक्ट को क्या करते हैं, क्लासीफाई करते हैं, फाइंड आउट करते हैं ग्रेडिंग में उसके डिफरेंट डिफरेंट साइज और क्वांटिटी के हिसाब से, यानी कि डिफरेंट वही प्रोडक्ट है उसको क्लासीफाई किस तरीके से, उसको डिफरेंशिएट किस तरीके से करेंगे ग्रेडिंग के थ्रू। ग्रेडिंग मतलब क्या है? ग्रेडिंग मतलब सिंपल सा कि भाई अलग अलग साइज के हिसाब से, अलग अलग प्राइस के हिसाब से उसको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। यानी कि बिजनेसमैन भी क्या करता है, ग्रेडिंग करते हैं, यानी अपने प्रोडक्ट को मार्केट में उतारने जा रहा है तो ग्रेडिंग करेगा। किस तरह से ग्रेडिंग करेगा? डिफरेंट डिफरेंट साइज का, डिफरेंट डिफरेंट प्राइस को वो मार्केट में उतारता है। छोटा पैकेट भी रहेगा, मीडियम पैकेट भी रहेगा, बड़ा पैकेट भी रहेगा और बहुत बड़ा पैकेट भी रहेगा होलसेलर के लिए, ओके। तो इस तरीके से वो क्या होता है, अलग अलग साइज करके, अलग अलग प्राइस टैग करके वो सेल करता है, ग्रेडिंग करता है, उसको बोलते हैं ग्रेडिंग, क्लासीफाई करना प्रोडक्ट को, ओके। पैकेजिंग एंड लेबलिंग। पैकेजिंग और लेबलिंग में भी आपको आगे भी पढ़ाऊंगा। पैकेजिंग यानी क्या होता है, पैक करना, अच्छे से पैक करना, उसमें डिफॉल्ट भी होना चाहिए, उसमें एयर टाइट पैक होते हैं, यानी अच्छे से पैकिंग करना है। अगर लूज पैक हो गया, अच्छा पैकिंग नहीं हुआ, तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा और कोई खरीदेगा भी, ओके। एंड लेबलिंग यानी उसमें जो भी लेबलिंग मतलब क्या होता है, उसमें पूरा पूरा लिखना, उसको डेकोरेट करके, उसमें एवरीथिंग शुड बी रिटन देयर, क्वालिटी से लेकर उसका डेट ऑफ पैक से लेकर एवरीथिंग शुड बी रिटन, वो होता है लेबलिंग करना। नेक्स्ट है ब्रांडिंग। ब्रांडिंग क्या होता है? ब्रांडिंग हो गया गिविंग अ स्पेशल नेम। ब्रांडिंग क्या होता है कि स्पेशल नेम देना किसी भी प्रोडक्ट को, ओके। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे कैडबरी है, कैडबरी क्या हो गया कि ब्रांड नेम हो गया कैडबरी। कैडबरी के बहुत सारे वैरायटीज आते हैं, ओके। तो कैडबरी का ब्रांड नेम के रूप में क्या करना, उसको एस्टेब्लिश करना कि यस नाइक ब्रांड नेम एस्टेब्लिश करना, वैसे ही उसको बोलते हैं ब्रांडिंग, ओके। ब्रांडिंग से फायदा क्या होता है, गुडविल बढ़ जाता है, ओके। प्रोडक्ट अगर वो वैरायटीज का प्रोडक्ट लेकर आ रहा है और प्रोडक्ट लेकर आ रहा है तो जल्दी मार्केट में सेल हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट कस्टमर सपोर्ट सर्विस। कस्टमर सपोर्ट सर्विस के थ्रू क्या करते हैं, कस्टमर वो सारे फॉर एग्जाम्पल आज डेट में कस्टमर केयर है, वो क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, ओके। तो वैसे क्या होता है, हर एक बिजनेस में क्या करता है, कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज लेकर आ रहा है। कस्टमर को कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो किससे कॉन्टैक्ट करेगा, यस कस्टमर केयर से कॉन्टैक्ट करेगा, जो भी सपोर्ट सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं उसके थ्रू क्या होता है, मार्केटिंग बहुत अच्छा होता है, ओके। गुडविल बनती है कंपनी की, ओके। एक प्राइसिंग ऑफ प्रोडक्ट यानी प्राइस फिक्स करना। प्राइस क्या होता है, प्राइस फिक्स करने से पहले भी ये भी एक फंक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन। प्राइस फिक्स करने से पहले बहुत सारी चीज़ों को एनालाइज करना चाहिए, ऐसे नहीं जो मर्जी आया प्राइस फिक्स कर दिया। फॉर एग्जाम्पल आप देखा हो जो भी हम कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं समर के सीजन में, ओके। तो कोल्ड ड्रिंक क्या होता है, सारे कोल्ड ड्रिंक्स का चाहे कोई भी ब्रांड कोल्ड ड्रिंक ले लीजिए, कोई भी डिफरेंट ले लीजिए, चाहे आप थम्सअप ले लीजिए, चाहे आप पेप्सी ले लीजिए, चाहे आप ओके मिरिंडा ले लीजिए, ओके, या फिर ड्यू ले लीजिए, ओके, जो भी आप लेंगे तो क्या होगा, सबका प्राइस सेम रहेगा। अगर वो छोटा वाला बोतल है हाफ लीटर का है तो उसका प्राइस सेम रहेगा, 1 लीटर का है तो सेम रहेगा, 2 लीटर का सेम, अगर डिफरेंशिएट होगा तो थोड़ा बहुत अंतर होगा, ओके। तो ये क्या होता है, यानी प्राइस भी क्या होता है, बहुत ही सोच समझ कर फिक्स करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने अपने 10 रुपये ज़्यादा बढ़ा के दे दिया, ओके, वैसे मार्केट में सेल कर रहे हैं और तो क्या होगा, कस्टमर शिफ्ट हो जाएगा, फिर कस्टमर क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा, भाई थोड़ा बहुत रेस्ट में चाहिए, कोई बात नहीं उससे कर लेंगे। तो इस तरीके से प्राइस को फिक्स करने का बहुत ध्यान रखना चाहिए। प्रमोशन एंड सेलिंग यानी प्रमोशन के लिए मार्केटिंग का मैंने आपको बताया था, प्रमोशन यानी और प्रमोट करना, प्रमोट करना, उसको प्रॉपरली सेलिंग करना, उसको भी ध्यान देने का करना पड़ता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है मार्केटिंग का, वो हेल्प करता है सेलिंग करने में और प्रोडक्ट का प्रमोशन करने के लिए।
ओके, प्रमोट करने के लिए फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है एक बिजनेसमैन चॉइस करता है कि किस चैनल के थ्रू भाई हम डायरेक्ट सेलिंग करें। फॉर एग्जाम्पल आज की डेट में क्या है, सब फ्लिपकार्ट हो गया, ओके, तो ये सब चीज़ें ऑनलाइन सेलिंग बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो क्या होता है, ऐसे फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कि आप कौन से चैनल के थ्रू जाएंगे, होलसेलर रिटेलर वाले के थ्रू जाएंगे कि हम डायरेक्ट सेलिंग करेंगे, ऑनलाइन सेलिंग करेंगे। तो वो होता है चॉइस करना कि कौन किस तरीके से फिजिकली डिस्ट्रीब्यूट करें गुड्स को। ओके, नाउ ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन भी अलग अलग माल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आता है। तो ये भी मार्केटिंग का क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ट्रांसपोर्टेशन, कि भाई हम किस तरीके से करेंगे ट्रांसपोर्ट। ओके, बाय ट्रेन करेंगे, ओके, बाय बस करेंगे, ओके, तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। क्योंकि गुड्स क्या होगा, अल्टीमेट हर एक जगह पर पहुँचना है, चाहे वो रूरल एरियाज में हो चाहे अर्बन एरियाज में हो, ओके, हर एक जगह पर गुड्स पहुँचना है। तो इसके लिए भी क्या करना पड़ता है, मार्केटिंग को ट्रांसपोर्टेशन का भी एक लिए एक बहुत अच्छा वो एक लिंक तैयार करना पड़ता है। ओके, एंड लास्ट स्टोरेज एंड वेयर हाउसिंग। स्टोरेज मतलब कहाँ पर गुड्स को रखेंगे, ओके, स्टोरेज करना है, वेयर हाउस के लिए वेयर हाउस डेवलप करना पड़ेगा, यानी स्टोर कितना करना है, किस तरीके से उसको स्टोर करना है, ओके, किस तरीके से उसको वेयर हाउसिंग में रखना है, ओके, या फिर वेयर हाउसिंग बनाना पड़ेगा। तो वो सब चीज़ें एनालाइज करने का किसका है, तो ये सब फंक्शन है किसका, मार्केटिंग मैनेजमेंट का। ये सारे सारे फंक्शन कौन प्ले करता है, मार्केटिंग मैनेजमेंट के थ्रू। ओके, तो आप इसको अच्छे से समझिए, सीखिए और आगे बढ़िए।